शुरू करो भाई गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जिस दिन स्कूल व्याख्या था भर्ती 2022 का परिणाम आया था उस परिणाम के समय भी मैं इसी क्लास में था और चार बजे के आसपास रिजल्ट जारी हुआ उस समय सबसे पहले हमारे छोटे भाई अनूप जी आकर मेरे को सूचना दी अगर रिजल्ट आ गया है और मैं इनके चेहरे के भाव को देखकर ही समझ गया था कि अनूप जी का चयन हो गया है तब मेरे को जानकारी लगी कि हाँ ये ज़रूर था कि रिजल्ट आने से पहले लगातार फ़ोन आ रहे थे और सामान्यतः ऑफिस के इतने फ़ोन आते नहीं हैं तो मैं समझ गया था हो सकता है कोई ज़्यादा विशेष रूप में हो किसी कारण से कैसे फ़ोन आ रहे हैं और जब अनूप जी जैसे ही एंट्री की क्लास में तो मैं समझ गया कि हाँ फ़ोन किस लिए आ रहे थे इसका मतलब रिजल्ट आ गया हालांकि पिछले दिन ये था कि शाम तक रिजल्ट आएगा लेकिन नहीं आ पाया और अगले दिन समय से पूर्व जो सामान्यतः शाम को पाँच छः बजे के आसपास रिजल्ट जारी होता है जबकि तो चार बजे के आसपास ही जारी हो गया था क्लास के बाद फिर मैं नीचे चला गया और क्लास को कुछ समय के लिए रोक भी दिया था उसके बाद ही लगभग साढ़े चार पाँच बजे के आसपास मेरे पास मुकेश जी का फोन आया जो आपके बीच में बैठे हैं मुकेश चौधरी जी सिरोही जिले से और जब इन्होंने बताया कि बताने के बाद भी मैंने दोबारा पूछा रैंक कौन सी है एक बार इन्होंने कहा कि पहली रैंक है साहब फर्स्ट रैंक है उसके बाद अच्छा फिर मैंने पूछा दोबारा क्या है तो दोबारा इन्होंने बताया फिर मैंने सोचा फर्स्ट रैंक है ओल राजस्थान में और ऑनलाइन के माध्यम से ही हम जिस समय शुरुआत से कोर्स लिया तब से जुड़े हुए थे लेकिन सही मायने में रैंक जो सात सौ इक्यानवे है उनमें निश्चित रूप से सफल और असफल में एक ही फर्क है मैं पहले भी आपसे चर्चा करता रहा हूं जो सात सौ इक्यानवे में स्थान है वो सफल व्यक्तित्व के रूप में है और जिसका सात सौ बानवे या तिरानवे नंबर है उसको केवल असफल के रूप में देखा जाता है लेकिन उस सात सौ इक्यानवे बानवे के पदों में भी पहला स्थान प्राप्त करना यह सबसे बड़े गौरव की बात है और खास बात मुकेश जी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है पिताजी किसान हैं, खेती का कार्य करते हैं एक सामान्य परिवार से हैं, लेकिन इन्होंने अथक प्रयास और लगातार मेहनत करने के परिणाम के रूप में आपके बीच में आज जो पूरे राजस्थान में पहली रैंक का अपने आप में एक अलग रहता है और निश्चित रूप से रहना चाहिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपका रिजल्ट आता है जब रिजल्ट से आपको अपेक्षाएँ होती हैं और जैसे रिजल्ट से आपके परिणाम सकारात्मक हैं तो आपको भी बदलना चाहिए आपके आचार विचार में आपकी गंभीरता में आपके ज्ञान में सब चीज़ों में बदलाव आना चाहिए कई बार तो आप देखते हैं कह दिया जाता है कि लड़का या लड़की बेटा बेटी अब ये लेक्चरर बन गया पता नहीं कुछ तेरे मेढे रूप में बात करता है नहीं ऐसा नहीं है उसकी जिम्मेदारियां हैं उसके पद की गरिमा है उस पद की गरिमा के साथ ही उसको रहना होता है अब तक कोई नहीं जानता था कोई नहीं जान रहे थे कि सिरोही से भी मुकेश चौधरी है लेकिन आज पूरा राजस्थान जानता है कि उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है मैं अभिव्यक्ति परिवार की तरफ से जोग्राफी क्लासेज जयपुर की तरफ से और आप सब की तरफ से मुकेश चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और जिन्होंने पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक हासिल की है और निश्चित रूप से ये केवल मैं आपसे भी ये चर्चा करता रहा कि अपने ये अनुभव बताएं आखिर किस तरीके से उन्होंने पहली रैंक ये मुकाम हासिल किया है अपने बीच में ही श्री अनूप जी भी बैठे हैं जिनकी अड़सठवीं रैंक है उनका भी संस्थान की तरफ से बहुत ही बहुत स्वागत और अभिनंदन कल परसों दो दिन के दौर में मैं आपके बीच में चर्चा की ये एक नंबर की रैंक है छः नंबर की रैंक है नौ नंबर की रैंक है ग्यारह नंबर की रैंक है अठारह बीस नंबर की रैंक है आप देखियो बत्तीस नंबर की रैंक है लगातार खूब अच्छी रैंक हैं बहुत बेहतरीन रूप में परिणाम है लेकिन मैं ये कहता हूं कि शिक्षक एक बादल की तरह होता है जो सब जगह बरसता है और सभी यदि पौधे बराबर विकसित नहीं होते लेकिन फिर जो पौधे हैं उनकी जड़ों में कितनी उर्वरता की दृष्टि से मृदा है कितना उन्हें खाद बीज पानी प्राप्त किया है उससे वो पौधा फलता और फूलता है ऐसे पढ़ाने का कार्य मेरा तो सबके लिए ही था लेकिन आपने उसको कितना महत्वपूर्ण रूप में समझा कितना आपने अच्छे ढंग से उसको समझा है कितना आपने समय दिया है मैं कहता हूँ जो पढ़ाया गया उसको आपने कितनी गंभीरता से पढ़ा है कितना आपने समय दिया है आपके बीच में ओम प्रकाश था प्रथम पहली बार में ही एक रैंक लेके आया उसने कह रहे हैं कि मेरे को एक वर्ष का समय मिल गया था जिसने बारह से तेरह बार पूरे कोर्स को पढ़ा है कितना रिवीजन किया है उसने और मैं जब बैच शुरू करता हूँ तो सबसे ज़्यादा कोई प्रसन्न रहता है तो वो बीएससी वाले भाई बहनों का रहता है और बीएससी वाले यही कहते हैं कि साहब मैं मैथ से हूँ साइंस बैकग्राउंड से था एम के अंदर ओपन से की है या सामान्य रूप में प्राइवेट के रूप में की है रेगुलर रूप में पढ़ा नहीं मैं पहले दिन से कहता हूं कि भूगोल जीरो से ही पढ़ाता हूं जीरो से शुरुआत करते हैं और मैं कई बार तो इतना भी कह देता हूँ बीए में जिनके पास विषय हैं उनकी अपेक्षा एमए के अंदर केवल एमए में पढ़ा है जिन्होंने बीए में नहीं रहा और साइंस वाले विद्यार्थी हैं वो और भी अच्छी स्थिति में रहते हैं उसका कारण है कि उसको जो पढ़ाया जाता है उसी को पढ़ता है और आर्ट्स वाला विद्यार्थी बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता भी है फिर उस चीज़ के साथ चलता है उस रूप में तो जहां मैं आपको ये ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूं कि मुकेश चौधरी जी बीएससी किए हुए हैं इनके पास ज्योग्राफी नहीं था ग्रेजुएशन में इन्होंने तो एम के अंदर तो जो बीएससी वाले भाई बहन है वो तनिक भी चिंता नहीं करें और मैं कहता हूं कि साइंस वाले विद्यार्थी कहीं न कहीं अधिक लेबोरियस और मेहनती होते हैं और उसी का परिणाम होता है और अब आप पूरे वर्ष भर में कहता हूँ पहले दिन से एडमिशन लेते हो और एग्जाम देते हो तब तक मेरे मेरे को सुनते हो सुनना ही पड़ता है आपको लेकिन आप विशेष रूप से हमारे बीच में दो सितारे बैठे हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले जो हमारे एक नंबर की जो रैंक पे हैं श्री मुकेश चौधरी जी आपकी जोरदारों के बीच मैं आमंत्रित करता हूँ ये अपने अनुभव बताएं किस रूप में ये मुकाम हासिल किया है कितने बेहतर ढंग से किस पारिवारिक पृष्ठभूमि के रूप में रहते हुए किन परिस्थितियों को झेलते हुए और इस मुकाम को हासिल किया है ये मैं जरूर कहूंगा कि ये केवल यही सीमितता नहीं है अभी तो ये शुरुआत है यही आगे जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे या सिविल सर्विसेज करेंगे तो यूपीएससी आरपीएससी के माध्यम से सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो मैं मुकेश चौधरी जी को माइक देता हूं और ये अपने शब्दों से ही कहेंगे यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम यहाँ आकर गुरुजी ने जो मेरा मान सम्मान किया उसके लिए मैं तही तो दिल से शुक्रिया करता हूँ संस्थान निदेशक श्रीमान कृष्ण जी एवं सर जी जि अड़सठवीं रैंक से चयनित हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर का मैंने कोर्स लिया था ज़्यादा समय तो मेरे को मिला नहीं लेकिन जितना भी मैंने देखा उसे पूर्ण रूप से आत्मसात किया एवं जो कम समय में जो सीमित कंटेंट के साथ में आगे बढ़ा उसका ही परिणाम ये परिलक्षित है सुबह ही आया था भाई को जॉइनिंग के एक्चुअली दिलाने के लिए मैं आया था घर से सब इंस्पेक्टर की तो साथ में मैंने सोचा कि एक पथ दो काज करते हैं वैसे ही जाना तो है ही है तो भी अब की बार साथ ही चले जाते हैं तो ज़्यादा समय नहीं मिला कुछ बुलेट पॉइंट के साथ मैंने जो लिखे थे अभी उनके साथ ही मैं बोलना चाहूँगा सर्वप्रथम मैं परिचय सर ने दिया लेकिन एक बार दोबारा मैं मुकेश चौधरी सिरोही जिले से बिलोंग करता हूँ एवं मेरे पिताजी जो कि एक कृषक है एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं इसके अतिरिक्त मैं स्वयं की तैयारी के बारे में यदि बताऊं तो मैंने फर्स्ट पेपर तक काफ़ी पहले कर लिया था लेकिन ये सेकंड पेपर मैंने स्टार्ट किया वो अप्रैल में स्टार्ट किया था एक अप्रैल को मैं सर को भी यही मैसेज दिखा रहा था फ़ोन में कि ये एक अप्रैल को मैंने मैसेज किया था कि मुझे कोर्स चाहिए सर ने बोला कि डिस्काउंट वो अड़तालीस सौ पचास में हो जाएगा आप आप नंबर आप नंबर सेंड करो ओ आएगा तो मैंने वो सेंड किया था एक अप्रैल को फिर अगला ही मैसेज मैंने सत्रह अक्टूबर को किया था मार्क्स जोड़ के उस टाइम वो कोचिंग्स के आंसर किए थ्री सिक्सटी सिक्स बंद नहीं थे मेरे और ये अल्प समय में जो फर्स्ट पेपर था, था लेकिन जो सब्जेक्ट का जो योगदान है वो मैं संपूर्ण रूप से गुरुजी को देना चाहूँगा उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैंने जो क्लास देखी है वो मैं आठ बजे से सिलेबस पूरा नहीं था तो आठ बजे ही बैठ जाता था और सुबह भी क्लास ही देखता था और शाम तक की क्लास ही देखता था तो वो दिन में लगभग सात से आठ घंटे क्लास देखी है मतलब लिखने के अतिरिक्त दस बारह घंटे मान भी सकते हो कि क्लास देखी है लेकिन फिर भी एग्जाम डेट आ गई थी तो कुछ डायरेक्ट पी नोट्स भी रटने पड़े लेकिन मैंने फिजिकल वाला जो पार्ट था जियोमोर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी एवं ओशनोग्राफी वो मैंने बिल्कुल नोट्स देख के मतलब वीडियो देख के संपूर्ण खुद के ही नोट्स बनाए थे और उसमें से प्रश्न मुझे यूं के यूँ देखने को मिले कहीं भी प्रश्न कोई ज़्यादा हुआ नहीं दिखा जितने अटैप्ट किए थे उसमें मेरे अधिकतम सही हुए बहुत मिनिमम मतलब नेगेटिव गए थे और जो क्वेश्चन थे दो चार क्वेश्चन थे लेकिन वो उनके पीछे भाग कर मैंने अन्य कोई स्रोत देखना उचित नहीं समझा क्योंकि उसमें से लगभग सब आ रहा था और सर ने वैसे मैंने वीडियो देखे तब बताया था कि एन आपको पढ़नी चाहिए समय मिले तो लेकिन मेरी स्थिति इसके विपरीत थी इसलिए मैं वास्तव में कहूँ तो एन भी नहीं पढ़ पाया और वो आज तक नहीं पढ़ी है <laughs> लेकिन शायद मुझे लगता है वो सर ने पढ़ ली थी <laughs> इसलिए वो नोट्स में ऑलरेडी आ गया था तो मैंने सोचा कि ये रहने देते हैं समय नहीं था इसलिए वो उस हिसाब से वो स्कोर मतलब सब्जेक्ट में अच्छा बन गया था मेरा इसलिए मैं संपूर्ण रूप से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक मेरे जीवन में उजाले के रूप में आकर एक अंधेरे को दूर किया है यदि इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स के भी कोई सवाल हो तो इस पर भी आप रख सकते हो नंबर मेरे 365 थे अब जो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए होंगे तो हो सकते हैं ऊपर नीचे 365। सब्जेक्ट में 240 थे उसमें 125 थे मेरे जो मेन लीड थी वो मेरे फर्स्ट पेपर ही थी और मैंने उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया हिस्ट्री में मेरे 22 आए थे 22 टू ही राइट थे रीजनिंग का एक अच्छा है छोड़ा था और जितने अटैम्प्ट किए उसमें शायद मेरे बहुत कम गलत हुए थे, की बार बार थे आपको। और फर्स्ट पेपर में मतलब एक दिन में तैयार नहीं कर सकते सब्जेक्ट आप पंद्रह दिन में ठीक से पढ़ लोगे आप बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन एक दिन में क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है उसमें एक दिन में न तो आप कोई फैक्ट याद रख पाओगे ना कोई दूसरा न कोई टेस्ट दे पाओगे और जब भी टेस्ट दोगे और तो अल्प तैयारी ज़्यादा हल्के में लेते हैं तो फिर वो कम ही नंबर आते हैं तो अपन जाने देते हैं कि रहने देते हैं एक टॉपिक क्या पढ़ना लेकिन वास्तव में देखे तो वो एक टॉपिक एक प्रश्न काफ़ी मायने रखता है जैसे कि एक क्वेश्चन था पॉलिटी का था उसमें मेरे को ये पता होता कि गुजरात में शायद छब्बीस सीटें लोकसभा की हमारे निकट बॉर्डर है बिल्कुल लेकिन मुझे नहीं था पता वो पता होता तो वो प्रश्न सही हो जाता मेरे तो वो जनरल चीज़ जो होती है वो अपन कहीं ना कहीं चुकती जाती है और हर सवाल हर बार ये पूछते हैं या तो स्टेट पॉलिटी होती है तो उसमें पूछते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो कहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें मिलाने का आता ही है और लोकसभा सीटों राज्यसभा सीटों का मिलाने का आता है लेकिन अपन वो इग्नोर कर देते हैं अपन केवल आर्टिकल पढ़ते रह जाते हैं और वास्तव में देखें तो वहाँ से फिर आता नहीं है आता कुछ और ही है और अपन सोचते हैं ये करंट का आ गया उसमें आ गया लेकिन वो क्वेश्चन लगभग अपन पुराने पेपर देखे तो उसमें वाकई में रिपीट हो रहे हैं और कोई आप में से सवाल हो तो अलग अलग संदर्भ में बात करेंगे क्योंकि तैयारी केवल खाली पढ़ने की ही नहीं होती है वैसे देखे तो इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव बाकी कोई कई चुनौती होती है चाहे पनौती रूप में हो जीवन में हर हर एक के जिंदगी में होते ही है दो चार तो वो भी होते हैं उनका भी निराकरण जरूरी होता है पहले लोग पूछते थे नौकरी नहीं लग रही अब वो पूछते ही नहीं है वास्तव में देखे तो जितना सम्मान जितना सम्मान मेरा यहाँ हुआ वहाँ गांव में भी नहीं हुआ ये मैं दिल से कहना चाहूँगा क्योंकि कहते हैं जो मतलब जानता है जिस बात को वो ही मानता है और हमारे उस तरफ देखे तो मेरे गांव का ये पहला सिलेक्शन है डायरेक्ट इसमें और वही फ़र्स्ट रैंक आना मेरे लिए मतलब मैंने रोल नंबर देखा फोर फोर एट सेवन पीछे का जीरो टू दिखा नहीं कोष्टक में वन लिखा आ गया तो फिर मैंने देखा अब तो फर्स्ट रैंक आ ही गई है भाई को दिखाया वो सामान पैक कर रहा था एक्चुअली वो जाना था तो तो फिर दिखाया तो उसने भी देखा सही है फिर तो भी मैं रोल नंबर मिलाए चार बार कि कहीं गलत तो नहीं है दो चार फोन आए वो भी अटेंड नहीं किए एक बार के देख लेते हैं पता नहीं कोई दूसरे का रोल नंबर हो मेरा नहीं है एक बार विचार आया शायद एडमिट कार्ड तो गलत नहीं है ऐसो से वापस ऐसा ऐसो से वापस डाउनलोड करता हो <laughs> <laughs> तो वो एक रहता है अपन को रिजल्ट आने के बाद आप जितना सोच रहे हैं कि जितनी मेहनत संघर्ष शायद वो आप मानोगे नहीं यकीन एक दिन में वो पूर्ण रूप से आपको लगेगा कि संपूर्ण वसूल है बस वो दस पंद्रह मिनट में ही आपको फील हो जाएगा कि जो किया वो वास्तव में इसके लिए मैंने बहुत कम किया था यदि ऐसी चीज़ें करने से इतनी अटेंशन इतना रिकग्निशन मिलता है तो मुझे और भी जीवन में बेहतर करना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए <ण्टारीण> यदि आपके कोई सवाल नहीं हो तो मैं कुछ पॉइंट पे बात करना चाहूँगा जो मैंने लिखे हैं शायद इसमें से ही सवाल तो होंगे जैसे कि चार पाँच पॉइंट है कंटेंट रिवीजन शॉर्ट नोट्स टेस्ट सीरीज़ एनालिसिस अपने नोट्स को रिच कैसे बनाएं बस ये पाँच छः पॉइंट मैंने लिखे थे यदि आपका कोई सवाल नहीं हो तो आगे बढ़ सकता हूँ मैं सबसे पहले कंटेंट में बात करूंगा तो कंटेंट इज किंग मतलब वो ही राजा है यदि आप अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो व्यवस्थित पढ़ रहे हो तो उसमें से प्रश्न आएगा मतलब आएगा ही कहीं नहीं जाएगा और जाएगा तो वो सबके जाएगा आप उसके लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक पढ़ रहे हो हालांकि पढ़ने वाले पढ़ते हैं मैं किसी लेखक की नहीं तो आलोचना करूँगा लिखने वाले लेकिन मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि मेरे को कोई मेहनत करके डायरेक्ट दे दें तो वो मैं इसको याद कर सकता हूँ क्योंकि मैं जो पूरी सविंदर सिंह पढ़ूंगा जो पढ़ने बैठ भी गया होता तो शायद नॉलेज नॉलेज भी तो क्या लेकिन वास्तव में उद्देश्य तो प्रश्न सही करना था वो तो बाद में एग्ज़ाम के बाद भी मुझे लगता है कि कई कमजोरी है तो मैं वो सुधार सकता हूँ ताकि मैं बच्चों तक ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर सकूँ लेकिन कंटेंट एक बहुत अच्छा रखना सीमित मात्रा में रखना उसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है तो कंटेंट सीमित रखिए बहुत अच्छा रखिए और कम पेज में रखिए मैंने जो मतलब लास्ट में बनाए थे वो बिल्कुल शॉर्ट में कर लिया था नोट्स को लेकिन जो चार रजिस्टर तो थे ही थे चार थे हाँ चार रजिस्टर थे तो चार रजिस्टर थे वो मैं डेली सुबह रिवीजन करता था क्लासें काफ़ी पूरी हुई थी फिजिकल की थे जैसा मैंने बताया ले ली थी बाकी फिर मैंने भाई ने मेरे को बोला था मैं जयपुर था वो मैंने एक्चुअली अपियरिंग में दिया था ये एग्ज़ाम मेरे रिजल्ट का कोई फिक्स नहीं था कि मैं इसमें एलिजिबल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा रिजल्ट मेरे आया है केवल 20 दिन पहले ये जो 21वां दिन निकल जाता तो मेरे 400 में से 450 होते 450 में से तो भी ये कुछ काम के नहीं होते तो कभी ना कभी जो आप मेहनत कर रहे हो कुछ ना कुछ यदि आपके जीवन में वो कुछ लंबे समय तक आपको लगता है कि दुख दुख की घटनाएं घटित हो रही है तो आगे उजाला आना तय है ऐसे जरूरी नहीं है आपको ऐसे लग रहा होगा कि अचानक अपेयरिंग में इसका हो गया ऐसी बात नहीं है यदि असफलताओं की मैं लिस्ट बनाना चाहूँ तो बहुत शानदार शानदार असफलता है मेरा मित्र बैठा ही है मयंक शर्मा साथ में ही हम रहे हैं तो इसको पता ही है <laughs> तो वो इसको मतलब पता है कि मतलब कितने हमने साथ साथ एग्ज़ाम दिए थे कितनी तैयारी की थी कहाँ कहाँ गए हैं यहीं ऑटो में बैठ के आते थे कॉलेज साथ किया हमने तो वो मतलब जो पता है जो पहचानते हैं उनको पता है कि काफ़ी वक्त लगा है और फर्स्ट पेपर में काफ़ी समय लगा है इसलिए ये 125 आए हैं आया है तो स्कोर बनाने में वो उसमें जो सब्जेक्ट लेंद दी है उसमें समय लगे गई उसके अलावा दूसरा पॉइंट में बात करूँ रिविज़न काफ़ी का सवाल होता है कि रिविज़न कितना करना चाहिए मैं तो इसका कहना चाहूँगा कि इसकी आपको कोई भी लिमिट नहीं रखनी चाहिए जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही फ़ायदे में हो यदि नया नहीं पढ़ के पुराना ही रिवाइज कर लिया ना तो उसमें से आपके सवाल कहीं नहीं जाएगा तो रिविज़न बहुत मस्ट है मेरा सिलेबस लगभग जो एग्ज़ाम दो महीने पहले तक मैं देखूँ तो एग्ज़ाम से दो ढाई महीने पहले तक मेरे हर सात दिन में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का रिवीजन होता था हर सात दिन में और लास्ट टाइम में तीन तीन दिन का था जब एग्ज़ाम के एक महीने कम था तो वो एग्ज़ाम के आसपास का टाइम होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है उसका संपूर्ण रूप से मतलब सदुपयोग करना चाहिए और एक अच्छी जो अपना ग्रुप होता है पढ़ाई वालों का वही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ लगभग सब मैच्योर हैं सबको खुद को पता है कि मुझे क्या करना है यहाँ तक दूर से किस लिए आए हैं क्योंकि मुझे लगता है प्रॉपर तो बिल्कुल यहीं आसपास घर वाले तो बहुत कम होंगे शायद दस परसेंट भी नहीं होंगे तो बाहर से आए हैं भेजा है, है इधर तो ज़रूर पूरा समय दे मुझे तो ऑफलाइन में तो मतलब सौभाग्य नहीं मिला यहाँ आने का वो ऑनलाइन देखा वही देखा बस ये बोर्ड दिखता था सर पढ़ाते थे टाइम स्केल से क्लास शुरू हुई थी वो भी, भी याद है <laughs> एक पेज वो सारणी बनाई थी और वहाँ से देखता चला गया और वो पूरा पूरा किया था तो रिवीजन के तौर पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और मैंने तो काफ़ी किया रिवीजन जिसकी काउंट नहीं है कम से कम देखे तो चालीस पैंतालीस वो मतलब सब्जेक्ट तो किया ही होगा क्योंकि स्पीड डेली मैं मतलब रिवाइज तो फिक्स था डेली सुबह के दो तीन घंटे फिक्स थे रिवीजन के लिए और मेरे लिए बिल्कुल नया था मेरे लिए तो वो सारणी भी नहीं थी मैंने तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी मेरे तो उसका सारणी से कोई लेना देना नहीं था और न तो इसके जोग्राफी के किसी पोर्शन का मुझे नहीं लगता एक कार्टोग्राफी और वो मैपिंग वाला है उसमें कैलकुलेशन में मुझे मेरे सब्जेक्ट की जरूर हेल्प मिली लेकिन बाकी में मुझे मेरे प्रीवियस नॉलेज का फर्स्ट पेपर में जरूर फ़ायदा मिला है लेकिन सेकंड में मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला सेकंड पेपर में बस कार्टोग्राफी को छोड़कर कहीं मेरे इसलिए मेरे लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल अलग थी इसलिए मुझे काफ़ी बार रिवीजन भी करना पड़ा इसके अलावा अपन अगला पॉइंट देखे तो शॉर्ट नोट्स नोट्स को मतलब एक कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए आप जैसे डेली मतलब 300 पेज के या 150 पेज के कॉपी लेके बैठ रहे हो दो महीने से वो ही दोहरा रहे हो तो वो फिर चीज़ लंबे समय तक काम नहीं करेगी क्योंकि दिमाग में उतना ही ठहरता है जितना मतलब शॉर्ट में चीज़ हो बाकी तो चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो लगभग ऑप्शन देख के अपन एलिमिनेट करें तो लगभग आ जाता है तो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे वो फोर्टी पेज के थे उसमें पूरी जियोग्राफी थी फोर्टी पेज में ए टू जेड लगभग मैंने सब लिख रखा था फर्स्ट पेपर जैसे ही मैं दे के आया मुझे लगा मेरे इतने नंबर हैं देखना तो नहीं था लेकिन मुझे लग रहा था कि अच्छे ही होंगे और वो दो चार ऐसे ही करके आया था वो भी सही हो गए थे तो फिर और जोश आ गया था <laughs> तो फिर मैंने आके चेक किया अच्छे नंबर थे फिर जैसे ही दोपहर को खाना खा के और फिर वापस मैं सो के एक बार रिविज़न किया तो मैंने चार घंटे में वो पूरी जियोग्राफी एक बार मैं वापस पढ़ के गया था तो वो एक मेरे लिए एक अलग था किसी का अलग हर एक की अलग रणनीति होती है जो खुद को सूट करे उस हिसाब से कोई चार दिन पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं मैंने जैसे के तो रात को नौ बजे तक मैं पढ़ा फिर सो गया था चार घंटे में आके मैंने वो चालीस पेज मेरे पास थे वो मैंने रिविज़न कर लिए थे उसमें से सब आ गया था और मैंने मुझे वो लगा मतलब कई जगह ऐसा है कि मुझे काफ़ी क्वेश्चन नहीं आते थे लेकिन मुझे उनमें से एक ऑप्शन आता था तीन नहीं आते थे तो मैंने वो ही किया जैसे कि एक क्वेश्चन था उपवन नगर संकल्पना का था तो उसका आंसर सर वो क्या था उपवन नगर हाँ इबेंजर इबेंजर हाँ हाँ हावर्ड तो मुझे वो नाम पता था बस मुझे तीन ऑप्शन नहीं थे पता तो वो उपवन नगर वाला था वो मैं करके जैसे आ गया तो ऐसे काफ़ी सवाल थे जिसमें मतलब पढ़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं उन चारों ऑप्शनों में से एलिमिनेट हो रहा था क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम अलग होता है अपन देते हैं वो और एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम अलग होता है तो और एक तरीके से अपनी अप्रोच जो होनी चाहिए वो उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होनी चाहिए काफ़ी मित्र हैं जिनका अभी कुछ देर पहले ही एक मित्र थे उनका फ़ोन आया अभी दो घंटे पहले ही वो मात्र मतलब डेढ़ नंबर से रहे थे पिछली बार भी रहे दो तीन नंबर से अब की बार भी रहे तो मैंने पूछा कि क्या क्या, क्या कैसे कैसे हालांकि ऑनलाइन थी मित्रता ऑनलाइन ही मैसेज किया था इन्होंने डी में मिले थे ज़रूर तो फिर उन्होंने बताया तो मैंने पूछा टेस्ट कितने दिए तो उन्होंने बोला एक भी नहीं दिया तो मुझे लगता है कि शायद उनके जो उन्होंने दस टेस्ट भी दे दिए होते तो उनके कम से कम बीस नंबर ज़्यादा आते और टेस्ट सीरीज़ सर की इतनी अच्छी थी मैंने मतलब प्रिंट आउट निकाल के सब एकदम बढ़िया से सब टेस्ट दिए थे सर के और सब में मेरे लगभग 240 सौ चालीस से टू सिक्सटी यहाँ तक मेरे मार्क्स आए थे ऑनलाइन में तो वो टेस्ट का बहुत फ़र्क पड़ता है और टेस्ट सीरीज बस यही था शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज़ यदि आपको लगता है कि आपके पास काफ़ी समय है और भी अच्छा स्कोर करना है और आपको लगता है कि आप मतलब कंटेंट को संभाल पा रहे हो भूल नहीं रहे हो आपकी कैपेसिटी आपको लगती है तो आप और भी कोई कैर सीरीज तो ज्वाइन कर सकते हो एक के साथ दो भी चला सकते हो लेकिन वो एक बार सिलेबस एक दो पूरा हो जाए अच्छे से आपको क्लियर हो जाए सब कुछ एकदम फिर उसके बाद आप ज़रूर देख सकते हो बाकी कुछ भी मटेरियल लेकिन एक बार एक अपने कंटेंट को लिमिटेशन में करना उसको बार बार रिवाइज करना उनके शॉर्ट नोट्स बनाना और एकदम अपना रूटीन डेली रूटीन सेट करना अन्य बातों में न उज उलझ कर केवल इसी पे ध्यान लगाना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके अतिरिक्त लोगों की बातें तो वो तो चलती ही रहती है उनका कभी अंत नहीं होगा यदि आपकी नौकरी लग गई तो भी टेंशन ही है उनके और नहीं लगेगी तो भी आपके सामने वो टेंशन दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे कि यार नहीं लग रही मैं जैसे यहाँ से बी मैंने यहीं से किया था बी भी यहीं से किया था फिर मैं कोरोना आया तो फिर मैं घर चला गया था तो उसके बाद मैंने यहाँ से नॉन कॉलेज से भरा था आर से दोस्त थे उन्होंने बोला बी वाले जोग्राफी से भरते हैं तो मैंने भरा था वैसे मैं आर की कर रहा था लेकिन साइड में ये फिर मेरी डिग्री पूरी होने की संभावना लगी तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो मतलब आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कोई आपको ऐसी चीज़ लगे तो एक प्लान भी साइड में ज़रूर सेट करके रखना चाहिए इस एग्ज़ाम के हिसाब से आपको लगे किसी की परिस्थिति के हिसाब से तो खुद का प्लान हमेशा खुद के हिसाब से लगना चाहिए क्योंकि दूसरों के आइडिया दूसरों की रणनीति जरूर अपन को एक बार चेक करके देखना चाहिए क्योंकि अपना मानव स्वभाव ऐसा होता है कि जैसे कि मतलब परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध होता है यदि आप खुद में परिवर्तन करना चाहोगे तो नहीं मानेगा मन जैसे कि आपने ठान लिया कि छः बजे उठना है ये आप डेली आठ बजे उठते हो वो परिवर्तन आप करना चाहोगे तो उसमें टकराव उत्पन्न होगी आपस में टकराव उत्पन्न होगा कि उठो कि नहीं उठो तो उनमें से वो दो एक डिसीजन आप परिवर्तित होना ही नहीं चाहते जैसे शॉर्ट नोट्स मैंने बताएं मैंने खुद से नहीं सीखा ये मैंने भाई ने मुझे बताया था मेरे भाई ने अब मेरे उनके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊँ तो वो टी में दो से सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काम कर रहे थे कोरोना में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था घर आए हम एक टेबल पर भी पढ़ाई करते थे दोनों भाई घर आए वो उन्होंने एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ली एस आई की ओनली थी 120 टेस्ट थे उन्होंने वो खाली टेस्ट सीरीज़ दी और उसके नोट्स बनाए और उनके दो रैंक से मतलब सिलेक्शन हो गया तो आपका जो तरीका है वो मायने रखता है कि आप मतलब आपके पास समय कितना है आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए आपका व्यक्तित्व कैसा है आप कितनी मेहनत कर रहे हो कितना समय दे रहे हो उसके ऊपर सब निर्भर करता है कि मतलब अपनी रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए इसके अतिरिक्त आप कोई आपका कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हो मैं जो लिख के आ गया था वो लगभग इतना ही था एक चार पंक्तियाँ और है, उसके साथ फिर लगभग इतना ही लिखा था सवाल पूछने चाहिए क्योंकि कोई भी सवाल अनुत्तरित नहीं होता उसका उत्तर अवश्य होता है हाँ <laughs> तो <है> <laughs> वो भी बात तो सही है सब्जेक्ट से संबंधित तो कोई डाउट का सवाल ही नहीं है क्या सर फर्स्ट पेपर आप इसको डेली पढ़ सकते हो सब्जेक्ट वाइज मतलब पोर्शन वाइज जैसे हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री को मतलब एक दो दिन मतलब उसको समेट के रखो मेरे शॉर्ट नोट्स आपने शायद वो ध्यान नहीं दिया वो कहने का मतलब वही था जैसे कि कोई रचनाएं हैं एक प्रश्न आता है जैसे कि कोई रचनाएं से पूछ ले तो वो एक पेज पे आपको इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए कि मध्यकाल की कौन सी है क्या है किस में से आ रहा है जैसे गुजर प्रतिहार में अपन को इम्पॉर्टेंट लगता है सातवीं से बारहवीं राजपूत वाला तो अपने टॉपिक में ऐड किया था आपको पता हो तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट गुजर प्रतिहार है राष्ट्रकूट नहीं पूछेंगे आपको कब नहीं और आप पूछेंगे तो भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा लेकिन जो गुर्जर प्रत्यार में से आया और आप छोड़ के आ रहे हो क्योंकि वो तो लगभग सब पढ़ रहे हैं तो वो उसको शॉर्ट में आप हिस्ट्री में भी कुछ बना सकते हो जैसे कि महात्मा गांधी की मैंने काफ़ी काफ़ी मोटे नोट्स थे लगभग इतने सारे थे और उनको मैंने लास्ट में मुझे लगा कि महात्मा गांधी रिविजन नहीं होंगे उनको हटाए भी थे फिर वापस जोड़े भी थे एक दिन सिलेबस लाके वापस दोपहर में जोड़ दिए थे शाम को हटा दिया ऐसा हुआ था तो वो मैंने नोट्स थे फिर मुझे लास्ट में लगा कि इनको मैं पढ़ूंगा तो बाकी हिस्ट्री चूक जाएगी इसलिए मैंने उनको लगभग वो पेज थे पचास साठ होंगे उसको मैंने तीन पेज में कर दिया था और उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आया यदि वो मैं इतने पचास साठ पढ़ता तो भी नहीं आता तो वो तीन पेज में से मुझे भरोसा था आ जाता आता तो डेट पूछता सविन ने बस वही पूछते हैं प्रश्न आप और एक एक चीज़ और इसमें मैंने लिखी नहीं वो प्रीवियस पेपर आप जरूर देखना प्रीवियस पेपर के अनुसार मतलब आपको एक पक्का अंदाजा लगेगा कि मतलब कौन से क्वेश्चन कितने कहाँ से आ रहे हैं कैसे मतलब प्रीवियस के कई क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हो जाते हैं और वो ओपन को पता ही नहीं चलता जैसे कि कहीं ना कहीं वो कोई या फिर अच्छी टेस्ट सीरीज में से डायरेक्ट पुटअप हो जाता है जैसे कि एक टेस्ट में क्वेश्चन था वो राष्ट्र मॉडल और एक्टर वो वाला तो उसमें से सर वो मेरे गलत था वो मैंने किया पेपर में, में मेरे गलत हो गया था टेस्ट सीरीज में भी गलत था तो इसका मेरे प्रॉब्लम ऐसे हुई कि मैंने वो वापस एनालिसिस नहीं किया तो यदि आप टेस्ट सीरीज दो तो उसको एनालिसिस करके अपने नोट्स में ऐड ज़रूर करो यही प्रक्रिया होती है नोट्स को रिच बनाने की यदि आपके नोट्स समृद्ध होंगे धीरे धीरे एक समय बीतेगा छः सात महीने जब आप खुद से पढ़ोगे एक आ, क्लास पूरी होने के बाद खुद से पढ़ोगे धीरे धीरे सीखोगे कोई चीज़ ढूंढनी पड़ जाती है कोई सर डाउट हो तो सर से भी वापस पूछ सकते हो तो वो धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत आपके नोट्स समृद्ध बनेंगे तो वो कब बनेंगे जब आप टेस्ट देके जो गलतियां हैं उनको बिल्कुल आपको एनालिसिस करना ही है वो एनालिसिस करोगे तो यदि मैंने एनालिसिस किया होता तो शायद वो एक प्रश्न और सही होता तो वो उसका फर्क होता है बस तो यही था मैं तो अब एक चार पंक्तियां थीं कोशिश कर ले हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा मुरुस्थल से भी जल निकलेगा मेहनत कर पौधों को पानी दे बंजर में भी फिर फल निकलेगा ताकत जुटा हिम्मत को आग दे फौलाद का भी बल निकलेगा सीने में उम्मीदों को जिंदा रख समंदर से भी गंगा जल निकलेगा कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की जो कुछ थमा थमा है वो भी चल निकलेगा एक बार पुनः संस्थान निदेशक एवं कुलदीप जी सर को बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक कंटेंट के रूप में एक अच्छा मार्गदर्शक के रूप में अच्छा कंटेंट प्रदान करने के लिए एक अच्छे मार्क्स प्राप्त करवाएं बहुत बहुत धन्यवाद अभी मुकेश जी ने आपके बीच में अपनी किस रूप में सफलता हासिल की है उसके बारे में एक संक्षिप्त रूप में बताया है हालांकि सही मायने में उस कार्य को करके तो इन्होंने स्वयं ही जिया है और मैं जब भी कहता हूं जब काम करो तो उस काम को इस तरीके से करे उस काम के साथ जिया जा सके अभी ऑनलाइन में भी एक दो विद्यार्थी पूछ रहे थे शॉर्ट नोट्स वो शॉर्ट नोट्स खुद, खुद को ही बनाने पड़ेंगे वो खुद को ही बनाने पड़ते हैं मैंने सब किताबों को कंसाइज किया है कंसाइज करके उसको प्रस्तुत किया है और उस नोट्स में से भी मुकेश जी ने और कंसाइज कर लिया लेकिन इनकी मस्तिष्क बुद्धि कितनी है कि मैं इस पॉइंट को यदि शब्द को देख लूंगा तो भी मैं समझ जाऊंगा इसका तात्पर्य क्या है तो इतना जो संक्षिप्त जो शॉर्ट नोट्स होता है वो स्वयं का ही होता है पिछली बार नया ही हेडिंग जो जोड़ा था मैंने चर्चा की थी सिलेबस के अंदर नगर नियोजन के सिद्धांत और उसने पहला ही सिद्धांत पढ़ाया था गार्डन सिटी अबेंजर हार्वर्ड का पहली लाइन थी पहली लाइन का ही प्रश्न था लेकिन अबेंजर हार्वर्ड को भी एग्जामिनर ने संक्षिप्त रूप में दे दिया तो जिसने संक्षिप्त रूप यदि पढ़ा था तो भी आसानी से आंसर कर पाया लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं और आधुनिक भूगोल वेता रिचार्ज हार्डसोन ने कहा भूगोल के लिए कुछ करके दिखाया जा सकता है बातें करने से कुछ नहीं होता रिचार्ज हार्डसोन कहते हैं और आप भी कुछ करके दिखा सकते हो बातें करने वाले खूब हैं मुकेश जिनका बहुत पूछ रहे थे ना सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक खूब पूछ रहे थे लोग लेकिन अब सिलेक्शन हो गया तब कोई कहने वाला नहीं है और जीवन में जब भी कोई कार्य किए तो निश्चित रूप से हर रूप में रिएक्शन आता ही है कैसा भी काम कर लें अपन रिएक्शन जरूर आएगा तो पुनः संस्थान की तरफ से मुकेश चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन और विराजें मुकेश जी बैठें और आपकी जोरदार तालियों के बीच ही मैं आज जो उपस्थित हैं हमारे बीच में हमारे छोटे भाई अनूप सर उनको स्वागत और दो शब्दों के लिए उद्बोधन आपके बीच में पहले भी आए हैं लेकिन ये आपके बीच में और नज़दीकी से रही हैं मुकेश जी तो आज ही आपके बीच में आई हैं और अनूप सर की मैंने कहा था कि पिछली बार टू में रह गई थी और अब की बार आपके सामने पता कि अड़सठवीं रैंक आई है तो अनूप सर को मैं माइक देता हूँ ये अपनी कुछ संक्षिप्त बातें बताएंगे आप सभी को नमस्कार दोस्तों <coughs> देखो आज वैसे ही संस्था के अंदर जश्न का माहौल है आप और हम सब लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि हमारे बीच में से एक विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पहला स्थान अर्जित करता है और भाई साहब ने आपको बताया कि उनके पीछे योगदान किनका है तो देखो ने कहा कि हमारा जो कंटेंट होता है वो किंग होता है लेकिन मैं इनको बता दूं भाई साहब को कि जो उस कंटेंट को आपको देता है ना वो सुपर किंग होता है साहब क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूं मैं जानता हूं एक किताब से ना तो हम पढ़ाते हैं अगर एक किताब को उठा के हम पढ़ाने लग गए तो भाई साहब दूसरे दिन आप पढ़ोगे नहीं हमसे करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है नई लाइनें जोड़नी पड़ती हैं हर वक्त उस चीज को अपडेट करना पड़ता है हम लोगों को जब जाके वो हमारा कंटेंट तैयार होता है और हर बार उसको अपडेट करना पड़ता है आप लोग एन की ईमानदारी से बताओ एक बार ही तो किताब खरीदते हो ना लेकिन हम लोगों ने 2011-12 की किताब में क्या लिखा था तेरह में क्या लिखा चौदह में क्या लिखा पंद्रह में क्या लिखा दो की किताब में क्या लिखा है हर बार हम लोगों को लाइन बदलनी पड़ती है क्योंकि हमारा क्वेश्चन वहां से आता है दोस्तों फिर दूसरी आज हमारा जो चर्चा का विषय रहा नोट्स। बोल ये क्या होते हैं कई ऑनलाइन पे भी चल रहा था शॉर्ट नोट्स की बात क्या थी देखो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं भाई साहब आपको पढ़ा रहे हैं कि वायुदा पेटियां साहब और पवन तंत्र हमको पता है कि वो जो एक डायग्राम है उसी में से प्रश्न आएगा कि व्यापारिक पवने कैसे चलती हैं पछुआ पवने कैसे चलती है दुर्वे कैसे चलती है तो उसकी व्याख्या को याद करने के बजाय क्यों ना उसको ही दिमाग में सेट कर लो वही क्या है हमारा शॉर्ट नोट से साहब हम नदी पढ़ते हैं साहब चंबल नदी पढ़ते हैं आप देखो हमारे पेज खोल के देख लो चार चार पेज में चंबल नदी लिखी हुई है किताब में भी नहीं है चंबल चार पेज के अंदर चार पेज का मतलब ये नहीं है आप लोगों को चार पेज लिखवाए जाते हैं लेकिन आपको एक बात पता है कि हम एक डायग्राम भी बनाते हैं वो डायग्राम क्या है आपके लिए एक आप कह रहे शॉर्ट नोट्स क्या होता है आप देखो पूरा अगर हम भूगोल का एनालिसिस करते हैं तो उस के अंदर आप देखेंगे भाई साहब के नोट इतने शानदार हैं इतने नोट्स शानदार हैं किताब का जो हमने निकाली थी भाई साहब की किताब उस किताब के अंदर जो क्लास नोट्स थे वो ही एज इट इज आपके प्रिंट करवाए गए थे बिल्कुल डिक्टो थे वो कोई चेंज नहीं था उसमें और किताब अभी भी मार्केट में अवेलेबल है और आप उसमें से देख लो कि अगर आपके 120 ट्वेंटी क्वेश्चन नहीं हो भाई 130 थर्टी क्वेश्चन थे टोटल थे ज्योग्राफी के साइको तो अलग पार्ट हो जाता है तो उसमें से 120 ट्वेंटी क्वेश्चन एज इट इज है फिर भी हम उस किताब को भी भाई साहब लगातार उसको अपडेट करते रहते हैं हमारे पास में कोई भी डाटा होता है हम पूरा प्रयास करते हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाए ताकि आने वाले समय में हमारे पास में जो अभिव्यक्ति संस्थान में पढ़ रहा है प्रत्येक विद्यार्थी यहां से सफल होकर जाए दोस्तों दूसरी बात देखो मैं तो वैसे ही सबसे इन सबसे छोटा हूं साहब मेरे से तो बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं सुखबीर चौधरी भाई साहब बैठे हुए हैं मौर्य सर बैठे हुए हैं तो मैं तो बोलता है इनको सर हूं ये इधर हमारे बड़े भाई साहब खड़े ही हैं ठीक है और ये हमारे प्रेरणा के स्रोत है साहब रियल में दिल से इनके लिए सम्मान निकलता है चाहे कहीं पर भी खड़े हों। फिर भाई साहब ने कहा कि लोग बात बनाते हैं अब मैं भाई साहब को पानी पिला देता हूं लोग बात बनाते हैं उसके ऊपर देख देख बोला क्या कर रहा है ये बनाने तो क्या फर्क पड़ता है लोगों का काम क्या है बात बनाना है आप देखो आपकी जैसे मान लो चयनित हो गए तो भी लोग बात बनाएंगे और आप फेल हो गए तो भी लोग बात बनाएंगे साहब ठीक है आप अगर चयनित नहीं हुए आपने इतनी मेहनत करी और पॉइंटों में रह गए गांव में बात चलेगी अरे पता नहीं किसके पीछे पीछे घूमता था ये रियल बता रहा हूं दोस्तों ये बात में वहां पर हमारे विषय चलता है ये कि बेचारा सफल इतनी मेहनत के बाद में वो तो असफल हो गया उसके दुख के पहाड़ टूट गए और वहां पर चर्चा क्या चल रही है पता नहीं क्या था मैंने कहा ना लोगों का काम है बात बनाना हो सकता है लोगों को तो ये भी पता आपके गांव में चिड़ने वाले खूब मिलते हैं साहब होते ही है मेरा एक मिलने वाला था वो जयपुर में तैयारी कर रहा था फेल हो गया उसके रिश्ते वाले आए और रास्ते में किसी ने रोक के कह दे इसके तो पहले से शादी जयपुर में रखता है ये तो तो <laughs> बताओ क्या करें तो लोगों का काम तो हमेशा क्या है कहना है किसी की नहीं सुननी है ईमानदारी के साथ में आप लोगों को पढ़ना है भाई साहब क्लास लेते हैं आपके रेगुलर उन क्लासों को एक बार तो आप ऑफलाइन वाले तो ऑफलाइन में ले ही रहे हो लेकिन उन क्लास को फिर से देखना आप लोगों को कब ऑनलाइन क्लासों को देखना है और फिर उनका पूरा आपको एक चीज और कि आप गलतियां बहुत करते हो साहब तो दोबारा अपने ही नोट्स को चेक करना कि गलतियां तो नहीं है हमारे क्योंकि मैं बताता रहता हूं आप लोगों को कि आप गलतियां बहुत करते हो अब एक विद्यार्थी ने लिख रखा मैं पढ़ा रहा जंगा तो आठ हजार पांच सौ अट्ठानवे तो उसने लिख रखा आठ हजार पांच सौ अट्ठानवे हमें और मरवाएंगे ये लोग <laughs> और बोला आपने तो कहा था आठ हजार पांच सौ तो मतलब गलतियां बहुत करते हैं हम लोग अब सब फर्स्ट पेपर के अंदर आते हैं बात। मैं 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 रियल बता रहा झूठ नहीं बोलता मैं व्यक्ति का भाई के ऐप से <प्राण> तो देखो इनका भी अहम हिस्सा है हमारे तो अभिव्यक्ति का ऐप ऐसा है जिसके ऊपर राजस्थान के अंदर शायद ही कोई ऐसा ऐप होगा जिसके ऊपर अपडेट कोर्स डाला गया भाई साहब राजस्थान का राजस्थान ज्योग्राफी का अपडेट कोर्स है तो वो अभिव्यक्ति का है फिलहाल। दोस्तों, हमने दिन रात मेहनत की भाई साहब का मार्गदर्शन लिया कहीं पर भी अटक जाता हूं मैं पूछ लेता हूं कभी मैंने संकोच नहीं किया भाई साहब से पूछने के अंदर भाई साहब क्लास में जा रहे मैं एक मिनट रोक के भाई साहब ये बता के जाओ मेरे को एक बार तो भाई साहब तुरंत प्रभाव से कभी इन्होंने इतनी शालीनता के साथ में जवाब दिया हमेशा इन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया साहब तो प्यारे दोस्तों हमारी जिंदगी में कोई ना कोई एक रियल हीरो होता है तो मैं तो यही कहता हूं कि हमारे अव्यक्ति संस्थान के अगर कोई रियल हीरो होता है वो भाई साहब कुलदीप भाई साहब है साहब देखिए दोस्तों अब देखो भाई साहब की कह दिया हमारे बड़े भाई साहब भी खड़े हैं साहब साइड के अंदर ऐसा शायद ही कोई राजस्थान की कोचिंग का डायरेक्टर होगा शायद ही कोई कोचिंग का कि जो आप विद्यार्थियों के आगे हाथ जोड़ के कहे, बताओ मेरी कोचिंग में कोई समस्या तो नहीं है आपके टेस्ट प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आपको शिक्षक सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन आप लोग क्या कहोगे जाके सर बैग नहीं दिया आपने मतलब भौतिक वस्तुओं को छोड़ो यार रियल में इनके लिए भी दिल से एक बार जो भाई साहब के लिए श्रीमान कृष्ण यादव जी अभिव्यक्ति संस्थान के वे डायरेक्टर हैं जो पूरे राजस्थान के अंदर एक भाई की तरह देखने वाला अगर कोई डायरेक्टर है तो श्री कृष्ण यादव जी हैं भाई <प्राणगा> देखो हमारे फर्स्ट पेपर के अंदर मौर्य सर पढ़ाते हैं एक ही बात कहते हैं भाई मैं तो बोला मास्टर हूं मतलब हम अध्यापक होकर भी कितनी शालीनता के साथ में कभी किसी को तू तड़ाके से नहीं बोलते साहब नहीं एक अध्यापक बोल सकता है दोस्तों लेकिन बावजूद उसके हम ईमानदारी से आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं आप देखो सुखबीर भाई साहब बैठे हैं हमारे बीच में भाई साहब का तो कोई मुकाबला ही नहीं है वैसे भी और वैसे भी साहब ठीक है अच्छा वैसे का मतलब है तो पढ़ाने में और वैसे का मतलब है हमारे बड़े भाई का फर्ज निभाने में तो देखो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर आप चाहो तो राजस्थान के इतिहास में अव्यक्ति संस्थान वो संस्थान बन सकता है जो आपके के इतिहास में कोई संस्थान नहीं बना होगा देखो हमें किसी की बुराई नहीं करनी किसी की आलोचना नहीं करनी लेकिन अधिकांश संस्थानों में ये होता है कि फेक नाम दिए जाते हैं कि जिनका कोई अता पता ही नहीं होता कि वास्तु में ये कहाँ है एक बिहार वाले की फ़ोटो खींचकर रोल नंबर किसी और के तो इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जाता है लेकिन हमारे पास में पूरे 255 विद्यार्थियों की सूची है बाकायदा आप लोगों को प्रिंट करवा के वो दी जाएगी कि कुलदीप भाई साहब के ज्योग्राफी में राजस्थान में 255 से अधिक सिलेक्शन हुए हैं भाई साहब कहते हैं कि हम तो बादलों की तरह हैं कि साहब कहां कहां बरसात करवानी है कहां कहां नहीं करवानी लेकिन बात कि मेरे को इस जगह पर थोड़ी सी ज्यादा बरसात करवानी है और वो कब पॉसिबल होता है जब हमें पता लग जाता है कि हां ये पढ़ने वाला विद्यार्थी है थोड़ी सी किसकी और मदद की जाए तो ये निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा साहब पढ़ाते तो हम समान ही है लेकिन हमसे आके कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार उसके प्रति जागरूकता दिखा रहा है तो हम निश्चित रूप से उसकी मदद करते हैं दोस्तों तो प्यारे दोस्तों अब आपके अभिव्यक्ति संस्थान को अगर कोई बुलंदी पर लेकर जा सकता है तो वो सब आप लोग हैं पढ़ाने का काम हमारा है ये हमने दिखा दिया पढ़ाकर कि राजस्थान के अंदर अगर कोई टीचर भर्ती के मामले में एक नंबर का संस्थान है तो वो अभिव्यक्ति संस्थान है दोस्तों अब ये बाजी आप है कि आप इस नैया को कितना पार लगाते हो क्योंकि विद्यार्थी नहीं होंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे खुद ही पढ़ते रहेंगे फिर तो आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर जितने भी लाइव पे जुड़े हुए हैं आप एक बार कोचिंग विजिट करें कहीं पर भी पढ़ रहे हो आप मैं ये नहीं कहता कहीं पर भी सब अच्छे होते हैं संस्थान कहीं पर भी पढ़ रहे हो लेकिन एक बार आप अगर हमारे नोट्स चेक करोगे तो आपको रियलिटी का एहसास होगा कि हम लोगों से कितना पीछे हैं और हमारे विद्यार्थी कितना लोगों से आगे है हम क्या पढ़ाते हैं और मैं एक बात कह देता हूं कि हम तो वो पढ़ाते हैं जो कोई नहीं पढ़ाता है दोस्तों ओके धन्यवाद थैंक यू और दिल से भाई साहब के चरणों में नमन और भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बड़े भाई साहब थैंक यू भाई साहब और ये मेरी तरफ से कार्यक्रम की लिमिटेशन है और ये भी है कि अगले बैच का भी समय है बैच का तो समय हो ही गया निश्चित रूप से वो भी आपके बीच में पहुंच ही गए और उनको भी एक संक्षिप्त मार्गदर्शन मिलना जरूरी था उनकी दृष्टि से भी सवा पाँच बजे का टाइम रहता है लेकिन जैसे अनूप सर ने और मुकेश सर जी ने आपके बीच में जो बातें रखी वास्तव में ये अमिट छाप के रूप में है अरे जीवन में अवसर सभी को मिलता है लेकिन इसी कार्यक्रम को मैं संक्षिप्त रूप में करते हुए मैं संस्था के डायरेक्टर कृष्ण यादव जी को आमंत्रित करता हूं, आपको संक्षिप्त रूप में उद्बोधन दें क्या हाल है भाई बढ़िया हो बस अपन बढ़िया है रहे हैं। और अपना सिलेक्शन हो जाए यही बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई मुकेश को भी मैं उज्ज्वल भविष्य की का वो कामना करता हूँ कि ये आगे असिस्टेंट प्रोफेसर आर एस तक जाए आज लोगों ने आप जो खुशी दी है मेरे को मेरे से बोला नहीं जा रहा और ज़्यादा बोल दूँगा तो भावू को जाऊँगा फिर आपको छोड़ के आना पड़ेगा बाहर तक <laughs> हमारी पूरी टीम बैठी जानू सर ने सबका सामान्यतः परिचय करवा भी दिया और पिछले जो समय के साथ जो स्थितियां थी जैसे शुरुआत में फोन आया तो आज मैं रास्ते में ही था तो मैंने कहा कि मिठाई मुकेश जी कब खाओगे और कब खिलाओगे तो कहा कि गुरु जी मैं खुद ही आऊंगा तो आज मेरे की भी नहीं था कि शायद आज आ सकते हैं लेकिन इनका जयपुर आना ही था और रास्ते में मैं पूछा तो फोन आया कि सब मैं जयपुर आ गया और अनुमति हो तो मैं आ जाऊं मैं देखा है कि जब जयपुर आ गए हैं नहीं हमें जाके लाना पड़ता <laughs> और लाने का मतलब यह है कि आपके लिए ये एक मोटिवेशन है ये आपके बीच के हैं अपने है ये इनको देखकर आपको लगे कि हमारे जैसे ही हैं जब ये प्रथम रैंक ले आ सकते तो हम भी ले आ सकते हैं हालांकि तैयारी सभी करते हैं लेकिन उस तैयारी को किस ढंग से कितने बेहतर ढंग से कितनी मजबूती के साथ किया जाए उसको आपके बीच में मुकेश जी ने रखा है और ये तरह तरह की बातें भी आती हैं मैंने शुरू में जब इनसे पूछा तो मैंने पूछा वास्तविकता में क्योंकि मैं कभी मिला शायद मिला हूँ क्या पहले नहीं मिले मिले नहीं थे पहले और कई बार कोई विद्यार्थी आगे चला भी जाता है तो ध्यान भी नहीं रहता है एक्चुअल में इतनी संख्या में है संभव नहीं है हाँ इतना जरूर है कि देखने से पता चल जाता है कि देखे हुए हैं इसका मतलब कभी मिले हुए हैं लेकिन जब इन्होंने स्वयं अपने आप से कहा इनका कि जब कुछ लोगों के फोन भी आई ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं अपनी नैतिकता है उन्होंने अपनी नैतिकता से कैसे मेहनत से पढ़ाई की है वो आपके बीच में रखी है और मेरी तो आप सभी को ये शुभकामनाएं कि आप भी अपने जितोड मेहनत से और अच्छे प्रयासों से सफलता को हासिल करें मानव का यदि श्रृंगार है तो उसका कार्य है मानव को उसके कार्य से जाना जाता है और उसके अलावा बाकी जो कपड़े वस्त्र हैं या जो विभिन्न जो आभूषण है ये सब केवल भाई वातावरण है वास्तविक यही है कि आपने कार्य कैसा किया है हमारी संस्था से जो मैं सर सर बैठेंगे हाँ सुखवीर सर जो हमारे छोटे भाई हैं और मैं आपको बता दूं संस्थान में ज्यादातर ही मेरे छोटे भाई हैं। हाँ सुखीर चौधरी जी राजेंद्र मौर्य जी दोनों ही उपस्थित हैं तो मैं एक बार आमंत्रित करूंगा दो दो मिनट के लिए एक बार उद्बोधन दें और मुकेश जी आज आए हैं एक बार सुखवीर चौधरी जी और दोनों ही भाई साथ ही आ जाएं कोई बात नहीं मौर्य जी भी मेरे छोटे भाई हैं है। 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 और आशा करता हूं अगली बार ऐसी तालियां आपके प्रोग्राम में फिर स्टेज पर चढ़ो और फिर बजें और देखो कुलदीप सर की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सब लोगों ने बहुत कुछ बताया और आप लोग तो देख रहे हो साक्षात तो सबसे बड़ी चीज है जो बार बार कहा जाता है वो कोई अलग शब्दों में कहता है मेरे मन में पागलपन आपका अपने कार्य के प्रति यदि पागलपन नहीं है मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं अपने काम से प्यार करो अगर आप अपने कार्य से प्यार किया तो वह कार्य आपको निश्चित सफलता प्रदान कराएगा और कुलदीप सर का बच्चों के प्रति जो डेडिकेशन है ये मैंने देखा है पहली बार कि सर चाहे कितनी ही प्रॉब्लम में हो इमरजेंसी कोई छुट्टी हो गई तो हो गई नहीं आपकी लगातार क्लासेज और ये आपको भी इनके साथ लगातार मेहनत करनी होगी सबसे बड़ी चीज़ होती है आप तैयारी करते हो एक जोश के साथ आते हो काफी बार देखने को मिलता है कि जिस जोश के साथ हम घर से निकले जिन सपनों को लेकर के बीच बीच में हम कहीं न कहीं वायरस के तौर पर हमारे जीवन में कुछ डिस्टरबेंस होता है और वो डिस्टरबेंस कहीं न कहीं आपको पीछे लेके जाता है तो आपको लगातार एक जिद एक जुनून के साथ टारगेट बनाओ छोटे कभी भी बड़ा टारगेट नहीं बनाना आप सुबह सात बजे जग रहे हो तो कभी ये नहीं सोचना दो बजे जगना है आप पहले सात से साढ़े छः पे आओ तो छोटे छोटे टारगेट लेकर के और आपके सामने सारी टीम है ही आप देख चुके हो आप इसका लाभ उठा सकते हो तो आप सभी को अगली बार इसी जोश के साथ और हमारे बड़े भाई साहब सब सबसे सीनियर सब समझ गए होंगे <laughs> तो इन्हीं के सानिध्य में फिर मैं आशा करता हूं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की और भाई मुकेश को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इतिहास रचा नमस्कार।, नमस्कार कैसे हो अच्छा लग रहा है अगली बार और अच्छा लगेगा ये वादा है हम सबका कि हम सब मिलके एक बार फिर से इतिहास रचेंगे और अगली बार किसी को ये चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा कि फर्स्ट रैंक किसको डालें क्योंकि सबके नंबर पैरेलल रहेंगे हम हाँ खुद से इतनी मेहनत करेंगे कि सफलता को हमारे पास आना ही पड़ेगा और रही बात क्लासेस में कहने की तो वो तो मैं कह देता हूं ठीक है तो मैं कह देता हूँ जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं तो भोला आदमी हूं देखा, देखा, देखा। और हाँ ये सब थोड़ा सा मुझे भोला समझते हैं हालांकि मैं इतना ही बोला हूँ जितना ये समझते हैं बाकी सब आप समझते हैं बाकी देखो आपका और हमारा एक स्टडी का कनेक्शन है और जैसे कंटेंट की बात करते हैं तो मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं तो आप कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए किसी की भी कॉपी उठा लो मन करे उसकी प्रश्न अगर उससे बाहर हो तो वहां मज्जा नहीं देना मेरे को बाहर रोक लेना ये मेरे कंटेंट की बात है दूसरी हम बात करें कि कई बार मैंने चालू कक्षा में कहा होगा आप में से जिन जिन के साथ मेरी कक्षा हुई है कि ओल्ड पेपर देखा करो ओल्ड पेपर देखा करो दो चार तो यूं इस तरह भाई साहब ऐसा रिएक्शन देते हैं पता नहीं कौन से लोग की बात कर रहा है आदमी मैं कहता हूं पुराने प्रश्न पत्र देखे सर ये क्या होते हैं मैं कहता हूं पुराने प्रश्न पत्र देखो ताकि आपको आइडिया हो सिलेबस में कहा से प्रश्न उठ रहे हैं तो क्योंकि एग्जाम कभी भी आपका देखो मेरा पर्सनल जो व्यू है एग्जाम कभी भी नॉलेज का नहीं होता है एग्जाम होता है केवल और केवल आपकी स्किल का कि आप उस तीन घंटे दो घंटे डेढ़ घंटे के पीरियड में आपके नम्स को अपने कंट्रोल आपके जो संवेग हैं आप कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हो हो सकता है कि आपसे सिली मिस्टेक्स हो जाए पेपर भरते समय जैसे ओ एम शीट आती है मैं क्लास में बताता हूँ ओ एम शीट आई और छोड़ाई हूँ तुरंत तैयार की हाँ अब आने दे अब बताता हूँ मैं तेरे साथ क्या करूँगा तो थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखना है क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ रखोगे शिक्षक वही है जो धीर गंभीर स्वभाव में और हम सब तो शिक्षक बनने के लिए आए हैं तो एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन धन्यवाद कुलदीप भाई साहब को बहुत बहुत अभिवादन मुकेश जी को धन्यवाद और मैं आप सबकी ओर से यह संस्था से वादा करता हूं कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अच्छे से रिजल्ट को निकालेंगे और सबके सब सिलेक्शन सब लेंगे थैंक यू सो मच इस कार्यक्रम को जो सेशन है जो दोपहर वाली बैच के जो भी भाई बहन है वो शांति पूर्वक निकल के जाए ठीक है क्योंकि इवनिंग का जो बैच है, वहां है।